मन कर रहा है, जब उनकी मर्जी होती है वो साथ देते हैं, जब मर्जी होती है नहीं देते हैं। इस दौरान हमारे जो सियासी माहिदीन की आई, उमर ईद खान को मुलाकात नहीं की, असद कैसर साहब को नहीं दी, हमें मुझे खुद दो तीन दफ़ा डिनाई किया गया। तो आज उसकी समात हुई डिवीज़न बेंच, और जिस पे अदालत ने बात समात करने के बाद आर्डर रिज़र्व किए हैं। इसमें हमने ये भी नुक्ता उठाए हैं कि उसमें फैमिली का भी आर्डर था, तो गुस्से बीवी की भी गुज़िश्ता 16-17 आयाम से खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। तो अब देखते हैं अदालत क्या आर्डर करती है। थैंक यू सो मच सर। रिज़र्व सीटों के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाना है, रिज़र्व सीटें नहीं मिलती तो आपका लाया अमल क्या है? मेरे ख्याल है कल वो फैसला सुनाएंगे इलेक्शन कमीशन, और अगर वो नहीं देते हैं जो बाजी नज़र में नज़र भी आ रहा है तो हम हाई कोर्ट से रजू करें। अतः तारट साहब कह रहे थे कि रिज़र्व सीट के हकदार नहीं है क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद वो इलेक्शन में आए नहीं है, तो वो किस हिसाब से वो रिज़र्व सीट मांग रहे हैं? बस मुफ्ती अता तारट का फतवा हमने सुन लिया है तो रद्द करते हैं। अच्छा सर, कल मरियम नवाज़ ने मुख्तलिफ थानों में विज़िट भी किया है, सब्ज़ियों के, टमाटरों के, खीरों के, इन चीज़ों के रेट वगैरह भी चेक किए हैं। समझते हैं कि पहला दिन ही बड़ा पंजाब के लिए अच्छा साबित होगा? बस ये पहले दिन ही ताने का चक्कर काटने से काश उसको एहसास हो कि पंजाब में पुलिस क्या करती फिर रही है, और पुलिस तो बाकायदा जो हैं पंजाब में